हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग टेक में। आज हम आपको लेकर आए हैं नर्सिंग ऑफिसर की एक बड़ी वैकेंसी, जिसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 6432 पोस्ट पर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है। यह वैकेंसी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है और इस वैकेंसी के ऑनलाइन जो फॉर्म की जो डेट है वो 7 दिसंबर 2020 से लेकर 24 दिसंबर 2020 तक है और आप इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करें इस नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी की, बात करें अपन तो इसमें 10,000 रुपये अपना रेम्यूनरेशन पारिश्रमिक मेहनताना रहने वाला है। पे स्केल की बात करें अपन 29,200 से लेकर 92,300 इसका पे स्केल है और इसका मैट्रिक्स लेवल है वो जो है वो 8 है। एज की बात करें, एज में क्राइटेरिया की अपन बात करें तो 21 साल से लेकर 32 साल की एज वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अपन बात करें कि जो एग्जामिनेशन जो फीस है, वो 100 रुपये है, यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये। ये इसमें जो छूट है वो एससी एसटी वाले के लिए फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जनरल और ओबीसी वाले 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस देकर फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अपन कि जो कंडक्ट करवाया जाएगा, तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो जिसमें एग्ज़ाम में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन तो अपने GNMBSC की अपन की जो थ्योरी है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होंगे। 25 जो क्वेश्चन है वो अपने प्रैक्टिकल या स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन एरिथमेटिक से होंगे और 5 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे, अंग्रेजी से होंगे। 2 घंटे का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 100 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स का, मान के 1/4 इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। बात करें तो अपन को www.ossscgovernment.in पर जाकर अपन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट भी अपन को वहीं दिखाई देगा। तो अपन बात करें कि भिन्न भिन्न कॉलेजों में, भिन्न भिन्न जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके अटैच्ड हॉस्पिटल हैं उनमें ये पोस्ट वैकेंट है। तो 6432 टोटल नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो